Assalamu alaikum. I welcome you in another online lecture of fluid mechanics. In this class, we will be discussing, we will be continuing from the last lecture, which was this immersed bodies, external flows or immersed body flow. So, इस क्लास में, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी हमने हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी एक्सटर्नल फ्लोज की, फ्लो ओवर अ बॉडी, जिसमें हाई रेनॉल्ड्स नंबर और लो रेनॉल्ड्स नंबर की बात की थी, और ब्लंट बॉडीज़ पर और स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि उस पर फ्लो किस तरह बिहेव करता है. हमने ये बात देखी थी कि जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका हाई होता है, इन विच जब विस्कस इफेक्ट्स आर रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड कम्पेयर टू द इनर्शियल इफेक्ट्स, तो आपके पास एक रीजन क्रिएट होता है जो कि जिसमें आपके पास विस्कस इफेक्ट्स बहुत कम होता है, और उस रीजन के बाहर जो है वो आपके पास विस्कस इफेक्ट्स, सॉरी रीजन क्रिएट होता है नियर द बॉडी जहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग होते हैं, और आउटसाइड दैट रीजन देर आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विस्कस इफेक्ट्स. सो लेट्स मूव, लेट कंटिन्यू फ्रॉम द सेम फ्रॉम द सेम फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो सबसे पहले हमने एक हम बात डिस्कस करते हैं बाउंड्री लेयर की, बाउंड्री लेयर स्ट्रक्चर एंड थिकनेस. बाउंड्री लेयर बेसिकली क्या होती है, इफ़ यू रिमेंबर हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत हाई होते हैं या एक्सपोनेंशियल 5-4 की रेंज में होता है, तो उसमें जो रीजन जहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और एक बहुत ही पतली या एक नैरो एक स्लिम सी लेयर बनती है अक्रॉस द सरफेस, जो सॉलिड सरफेस है जहाँ पे फ्लो हो रहा है, और उसी रीजन में ही सिर्फ विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, और उसके बाहर जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. तो अगर हम यूजुअली वी रिप्रेजेंट द बाउंड्री लेयर विद दिस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर, वी कैन सी दैट यहाँ पे जो दिस स्क्वायर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लूइड पार्टिकल्स, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में जिस तरह डिस्कस किया था कि एक क्यूब की तरह, एक क्यूब है जो फ्लो कर रहा है. इनिशियली हम कैपिटल यू को रिप्रेजेंट कर, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी अपस्ट्रीम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है उस सर्फेस को, और ये जो प्लेट है दैट इज़ कॉल्ड द दिस कुड बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल वैसे ही वही केस है जो हमने पहले डिस्कस किया था. आप ये देख सकते हैं कि जब आपके पास ओके दिस दिस केस इज़ फॉर एनी रेनॉल्ड नंबर विच इज़ हाई, इन विच मीन ये लो रेनॉल्ड नंबर की बात नहीं हो रही, हाई रेनॉल्ड नंबर की बात हो रही, जिसमें विस्कस इफेक्ट जो है वो रिलेटिवली छोटे हैं, कम है. सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप इस जैसे ही ये फ्लूड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आप ये देखते हैं कि इसमें एक बहुत ही बारीक सी लेयर फॉर्म होती है इस फ्लूड इस सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस के बाहर जो है वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ हैं कैपिटल यू, वो कैपिटल यू है, एंड देर इज़ नो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स. तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरी नहीं हो रही, जबकि जैसे ही आप पार्टिकल जो है वो इस सरफेस के अंदर इस बाउंड्री लेयर के अंदर मूव करता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो रीजन जो इस सरफेस के नज़दीक है उसमें मूव करता है, तो वी कैन सी दैट द पार्टिकल स्टार्ट चेंजिंग देयर शेप. सो बिकॉज यहाँ पे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है. इफ़ यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 6 व्हाट वी डिस्कस दैट व्हेन वी हैव वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, तो व्हाट हैपन, आइदर द फ्लूइड स्टार्ट चेंजिंग द वॉल्यूम और चेंजिंग द शेप. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला फ्लूइड जो है वेयर देयर इज़ नो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, इसकी शेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे थी, बट जैसे यहाँ पे आया तो यू कैन सी दैट दोज द लाइन विच इज़ नियर टू द सर्फेस जो है वो इज लैगिंग बिहाइंड द लाइन विच इज़ अब रिलेटिवली फार फ्रॉम द दिस हॉरिजॉन्टल सर्फेस, विच मीन्स दैट जो वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर है उससे जैसे जैसे आप वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस दिस प्रोफाइल. तो जो अपर वाला जो अपर वाली लेयर है दैट इज मूविंग फास्टर दैट कम्पेयर टू द बॉटम लेयर, एंड एज यू मूव फॉरवर्ड दिस दिस फिनोमेना एक्चुअली इंटेंसिफाइज, एंड द शेप विच इज स्क्वायर आउटसाइड द बाउंड्री लेयर changes to a rhombus, and then the angle becomes more is becomes higher. So this is actually so what happens as you move forward, जैसे जैसे velocity gradient बढ़ता रहता है या velocity gradient मुख्तलिफ direction में आता है, एक real flow में what happen, real flow में क्या होता है कि आपके पास एक 3-dimensional boundary layer बनती है, मगर यहाँ पे हम एक 2D की बात कर रहे हैं, 2D डायमेंशन की 2D की बात कर रहे हैं. तो जैसे जैसे फ्लूड जो है वो आगे बढ़ता है, व्हाट हैपेंस कि आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो बढ़ता है. अगर आप गौर कीजिए तो रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ फंक्शन ऑफ द करेक्ट लेंथ, लेंथ इट इज़
rho v l upon mu, right? So rho is the density, v is the velocity and l is the characteristic length. तो जैसे जैसे या तो वेलोसिटी बढ़ा 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 रहे हैं आप, या फिर उसकी लेंथ, या लेंथ जिस या जिस जिस लेंथ पे वो मूव कर रहा है, कि यहाँ पे जब है तो उसकी लेंथ रिलेटिवली कम है, बट एज यू मूव फॉरवर्ड दैट एक्स इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. तो वॉट हैपन्स दैट कि अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो बढ़ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें एक फिनोमिना जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंस, वो क्रिएट होती है फ्लो के अंदर. ट्रेवलेंस बेसिकली क्या होती है कि आपके पास यहाँ पे जो रीजन है लेमिनार रीजन, लेमिनार रीजन का मतलब है जहाँ पे रिलेटिवली जो फ्लो है वो ऑर्डर्ड है, या फिर जहाँ पे मिक्सिंग कम से कम मिक्सिंग है, या मिक्सिंग से बड़ा देखें जब मिक्सिंग होती है फ्लूड के अंदर तो हम ये कंसिडर करते हैं कि फ्लूड जो है वो डिस्टर्ब्ड है. और लेमिनार रीजन में जो मिक्सिंग होती है वो मॉलिकुलर लेवल पर होती है, मीन्स कि वो आपको नज़र नहीं आती. तो ऐसा लगता है फ्रॉम फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक व्यू दैट द फ्लूड इज स्टिल इन ऑर्डर, बट एज यू मूव फर्दर आपकी लेंथ बढ़ रही है, और या अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रखे बैठे रखे हुए हैं तो आपकी लेंथ बढ़ने से क्या होता है कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ रहा है, बिकॉज रो मी वी एल अपॉन मी होता है, एल आप बढ़ा रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस कि टर्बुलेंस क्रिएट होती है उस फ्लो के अंदर. और टर्बुलेंस क्या होती है, टर्बुलेंस एक माइक्रोस्कोपिक डिस्टर्बेंसेज होती हैं जो कि फ्लूड के अंदर नज़र आती हैं जब, और वो आपको लगता है कि फ्लो जो है वो बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है और क्योटिक है, और दैट इज़ अ रियली डिफिकल्ट अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लो टू स्टडी. तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो वॉट हैपन्स कि आपके पास इसी रीजन में बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी ग्रेडियंट से मींस कि वेलोसिटी यू, बिकॉज दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू कैन सी, तो यू इज चेंजिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एंड देर कुड बी एनी अदर क्रॉस ग्रेडियंट एज वेल. सो दैट दैट क्रॉस ग्रेडियंट इज बेसिकली रोटेटिंग द फ्लूड और डिस्टॉर्टिंग इट एट द सेम टाइम. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल एक खास ड्रेन से बाहर आया तो यहाँ पर इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई, इट्स कम्प्लीटली क्योटिक. तो दिस रीजन इज कॉल्ड टर्बुलेंट रीजन, और द बाउंड्री लेयर जो यहाँ बनती है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, एंड द थिकनेस ऑफ द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज रिलेटिवली लार्जर दैन द लेमिनार बाउंड्री लेयर. वी रिप्रेजेंट दिस दिस इज बाय डेल्टा, और डेल्टा जो है वो बाउंड्री लेयर थिकनेस है. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली इफ यू कैन सी दैट यू हैव टू एक्सेस, वन एक्सेस इज अलॉन्ग द फ्लो अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन एंड वन एक्सेस इज अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट एंड दैट इज़ अ वाई. सो आप ये देख सकते हैं कि जब डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा है, इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप खड़े हैं, इफ़ यू मूव अपवर्ड्स उस पॉइंट तक वाई में आप मूव कर रहे हैं जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आ रही है, तो जो स्मॉल यू है, स्मॉल यू इज़ बेसिकली द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द बाउंड्री लेयर, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग. सो वी आर यूजिंग अ वेरिएबल हेयर इंस्टेड ऑफ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू कैपिटल यू. कैपिटल यू जो वैल्यू है वो बाहर है इस लेयर के बाहर. तो आप ये देख सकते हैं कि उस पॉइंट जो बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करता हूँ इस पॉइंट की, वो कैपिटल यू के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, विच इज़ 0.99 ऑफ कैपिटल यू, विच मीन जैसे ही आप उसे बाहर निकलेंगे योर वेलोसिटी योर यू बिकम्स कैपिटल यू एंड देन इट रिमेन्स कैपिटल यू. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री लेयर कि जिस पॉइंट के ऊपर जिस लेंथ के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट अपस्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू या फिर आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी के बराबर आ जाए, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर थिकनेस. मूविंग फर्दर यू कैन सी दैट द बाउंड्री लेयर एक्चुअली इंक्रीजेज एज यू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. जैसे से आप मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, लेमिनार रीजन में बाउंड्री लेयर जो है वो छोटी होती है, एंड देन यू गो अपवर्ड एंड दैट इज एक्चुअली इट मीन दैट इफ द बाउंड्री लेयर इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी द डिस्टर्बेंसेज इन दिस रीजन, यू कैन से द डिस्टर्बेंसेज इन दिस रीजन, द रीजन वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर हायर इंक्रीजेज एज वेल. सो दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस ग्राफ. The tau w is basically the shear stress of the experience by the fluid particle. So this graph is basically our experimental graph, which actually shows that as you move in the laminar region, the tau decreases, and suddenly at a certain point we will discuss it actually there is a jump of the shearing, and that shearing is because of the turbulence nature. So सबसे important बात ये कि transition होता क्या है. Transition का मतलब ट्रांजिशन इज अ पॉइंट वेयर द लेमिनार फ्लो कन्वर्ट्स इन टू द टर्बुलेंट रीजन, द पॉइंट वेयर द फ्लो स्टार्ट बिकम क्योटिक.
So there is a experimental number which is 2 exponential 5. 2 exponential 5 equals to re critical x critical. So यहाँ पर rho जो है वो rho u जो है वो आपके पास velocity है, density है, mu जो viscosity है. But you can see that हमने यहाँ पे critical जो characteristic length है वो l नहीं ली बल्कि x ली है. तो यहाँ पे अगर हमारे पास re x critical मौजूद है, which means के re जब exponent 2 exponential 5 in some cases 3 exponential 6, but this the first value is more popular. अगर आप ये वैल्यू लेते हैं, इसको बराबर लेते हैं, तो रो यू और म्यू आपको पता है फ्लो का, तो यू कैन फाइंड एक्स वैल्यू कि किस पॉइंट के ऊपर जाके जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में क्रिएट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द क्रिटिकल क्रिटिकल लेंथ एक्स. क्रिटिकल लेंथ एक्स जो है वो क्रिटिकल लेंथ कहलाती है कि जिस पॉइंट पर लैमिनार से फ्लो जो है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है. आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी हाई है, मतलब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी शुरू से ही हाई है, तो व्हाट वुड हैपन कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू वो बहुत छोटी हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज द बिकॉज दिस पॉइंट इज कॉल्ड लीडिंग एज. किसी भी सरफेस का जो शुरू का पॉइंट हम कहते हैं लीडिंग एज. तो फॉर एग्जांपल द फ्लो इज हैपनिंग ऑन द लीडिंग एज, इज फ्लो द फ्लूइड इज फ्लोइंग. सो इफ द कैपिटल यू इज हायर, व्हाट वुड हैपन दैट द क्रिटिकल लेंथ विल मूव टूवर्ड्स द लीडिंग एज. कि आपके पास फ्लो जो है वो बहुत जल्दी टर्बुलेंट हो जाएगा, उसका लैमिनार रीजन बहुत छोटा होगा. तो जैसे जैसे आप लैमिनार रेनॉल्ड्स नंबर को बढ़ाते रहेंगे, जो क्रिटिकल लेंथ की वैल्यू है, मीन्स के ये जो लेंथ है ये वाली इस एक्सेस के ऊपर, ये यहाँ पे आती रहेगी. तो विच मीन्स कि आपके पास जो रीजन जो लैमिनार रीजन है वो बहुत छोटा होगा. अच्छा, दूसरी बात ये कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता कैसे, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द रफनेस एंड द अपॉन टर्बुलेंस अप स्ट्रीम फ्लो. कि अगर ऑलरेडी आपके पास अपस्ट्रीम फ्लो पहले ही से टर्बुलेंट है या पहले ही से आपके पास वो बहुत हाई स्पीड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर आपका हाई होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो सरफेस जिस पर से फ्लो हो रहा है उसकी रफनेस कैसी है, जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स नंबर हाई हो सकता है, और दैट कैन एक्चुअली शिफ्ट द क्रिटिकल एक्स वैल्यू टूवर्ड्स द लीडिंग लीडिंग एज. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बाउंड्री लेयर. मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाउंड्री लेयर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. सो अगर आप गौर कीजिए तो ये जो फर्स्ट फिगर है ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ बाउंड्री लेयर, द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द बाउंड्री लेयर. यू कैन सी दैट देयर इज अ द वेलोसिटी इज चेंजिंग एज यू मूव अपवर्ड. इफ दिस शेडेड रीजन इज द प्लेट, देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है. सो एक पॉइंट पर आके जहाँ पे वेलोसिटी यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल यू, विच इज़ 0.99 टाइम्स ऑफ द कैपिटल यू होती है, तो हम इस लेंथ को कह सकते हैं कि दिस इज डेल्टा, विच इज़ बाउंड्री थिकनेस, जो हमने पहले बात की है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस. सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ये वो केस है जब आपके पास नो स्लिप कंडीशन है, फ्लो जो है वो स्टिक कर रहा है, और देन एज यू मूव अपवर्ड वेलोसिटी इंक्रीजेस. बट दिस इज़ द केस जिसमें आपके पास नो स्लिप कंडीशन नहीं है, मतलब विस्कस इफेक्ट्स है मौजूद ही नहीं है, एक यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है. अगर आप गौर करें कि अगर मैं इसकी इसकी लेंथ जो जितनी इसकी डेल्टा है उसी डेल्टा को मैं यहाँ फ्लो करता हूँ, तो यू कैन सी दैट दैट सिंस यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी की वो इसके मुकाबले में कम है. अगर आप देखें, यू कैन सी दैट अगर आप सबको सम कर लें तो यू विल सी दैट दिस वैल्यू इज लार्जर एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट? बिकॉज अगर आप इन इस वाले को और इसको एक के ऊपर रख दें तो यू विल सी दैट दिस वेलोसिटी द होल ऑफ दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस दिस प्रोफाइल, बिकॉज यहाँ पे कुछ डेफिसिट है. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी डेफिसिट इन केस ऑफ अ विस्कस फ्लो, एंड दिस इज अ आइडियल फ्लो जिसमें कोई विस्कस इफेक्ट मौजूद नहीं है, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली अ रियल फ्लो. सो व्हाट इज हैपनिंग, द वेलोसिटी इज हायर in case of a non viscous flow and velocity has a deficit in case of a viscous flow. to in dono ko barabar karne ke liye kya karna padega? okay, this is another good example. agar aap ye jo shaded region hai orange one which is actually representing this white region, agar mujhe in dono in isko aur isko barabar lena hai, to what I need to do, I have to shift this length which is along the x-axis to a distant delta star, which means that अगर मैं अब इस delta star से ऊपर की जो value लूँगा, अगर मैं उसको sum करूँ तो I will get this profile. Now they are equal.
सो विच मीन्स कि जो डेफिसिट है विच इज़ कैपिटल यू माइनस यू कैन बी कंपनसेटेड बाय मूविंग बाय शिफ्टिंग इट टू डेल्टा स्टार एंड दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. सो दिस इज ओके. अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉट इज हैपनिंग हेयर, अगर डेल्टा स्टार बी यू दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट इन केस वेन यू हैव दिस वन, दिस इज द डेफिसिट वॉल्यूम फ्लो रेट जो इस रीजन से बाहर निकल रहा है एंड इज इक्वल टू यू माइनस यू विच इज दिस रीजन, कैपिटल यू विच इज द वेलोसिटी एट द टॉप एंड माइनस यू इज एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द प्रोफाइल ऑफ द वेलोसिटी टाइम्स बी. बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, नॉट दिस बी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेस, विड्थ ऑफ द प्लेट एंड टाइम्स डी वाई एज डी वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड हियर वी हैव डेल्टा स्टार विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड बी यू. सो यू कैन सी दैट दिस दीज टू आर इक्वल एंड बाय सिंपली रिमूविंग वन द वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड, शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, यू कैन सी दैट डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू डी वाई. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बट डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल बी हैविंग अ एम्पेरिकल रिलेशन फॉर दीज फार्मूलाज. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज boundary layer displacement thickness. We will see the physical, we will see the physical significance or physical meaning of these numbers in the numerical, so don't worry about that. Moving further, boundary layer displacement thickness, the modern displacement thickness defined is terms of volumetric flow rate, ye humne bhi baat ki hai, represents the amount of the thickness of the body must be increased so that the fictitious uniform inviscid flow has the same mass flow rate. Main exactly wahi baat kar raha hu, but this is written in the bullet point so you can have a look at them. If you still have the confusion in this, please ask me in the live session. So this is an important concept to understand, to grab. So moving on for further, if you observe that the velocity deficit here compared to the ideal flow where you do not have any viscous effects, since the velocity is the velocity deficit, so there must be a deficit of momentum as well. Momentum is directly linked with the velocity. So if you remember your momentum equation from chapter number 5 of the Munsons, so you can say that rho u times velocity into dA is basically the momentum equation, right? So what is happening here, if you considering the deficit of the momentum in the same manner as you did with the length of the fluid, so you can say that here you have rho b, which is the constant comes out, so 0 to infinity, which means you are integrating from the plate till the region which is outside the boundary layer. U is a small u, which is the velocity profile, and u minus u is the deficit thing. So you can see that this is rho b u square theta. This theta is basically the boundary layer momentum thickness. This has also the units of length, right? Which means that you can say, okay, I can just give you a brief again recap. So in this case, when you have a velocity profile which is linear uniform, if you shift it to a distance which is delta star, then the new velocity profile, the constant new uniform profile, would replicate the same case as if you have a viscous conditions, right? Similarly, if you move this velocity profile to a length of theta, you would have the same momentum as if the fluid is viscous, and the momentum of this profile would be equal to the fluid, the viscous momentum of the uniform flow if you move the velocity upwards to a distance of theta. So this theta delta, this delta star is the boundary layer thickness, the boundary layer displacement thickness, and delta is the boundary layer thickness, and theta is the boundary layer momentum thickness, right? So this is these are important concept, but when we will be solving numerical, so you will understand them better, right? So these are some numerical, so don't worry about that. I will be covering these numerical in the coming lectures. So moving further, now let's discuss a very important, a famous solution of boundary layer. What actually happens if you in the boundary layer, the boundary layer has
a very complex structure. It has distortion, and they are rotations of the fluid particles and a lot of things going on in the boundary layer. There are velocity gradients. So in order to solve the equation, what we need to do, we need to have the boundary layer, we need to find the boundary layer thickness under to the solution. So actually in any of the fluid equation analysis, we usually solve the Navier-Stokes equation. तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आज बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन जिसमें जिस जो जिसमें आपके पास विस्कस टर्म्स भी होती हैं और आपके पास कन्वेक्टिव टर्म्स भी होती हैं और ट्रांजिएंट टर्म्स भी होती हैं. यू हैव अ प्रेशर टर्म एज वेल. सो आपके पास दीज आर द टू इक्वेशन बिकॉज सिंस वी आर डीलिंग इन द टू डायमेंशनल फ्लो. सो यू कैन सी दैट दीज आर द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. इसके अंदर थर्ड डायमेंशन नहीं है, विच इज़ द डब्ल्यू टर्म एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, और जेड जेड वाली टर्म्स गायब हैं. तो यू कैन जस्ट सिंपली कंपेयर दीज टर्म विद द प्रीवियसली डिस्कस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. तो यू विल सी दैट दीज आर द सेम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, बट इट्स अ टू डायमेंशनल नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. इसमें जेड नहीं है और डब्ल्यू नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन टू सॉल्व. एंड अप टिल नाउ देर आर नो सोल्यूशन अवेलेबल फॉर द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर एनी केस एक्सेप्ट दिस वेरी सिंपल केस विच इज़ अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट. तो इस केस के अलावा नेवियर स्टोक्स का कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है एनालिटिकली. यू वी यूजली सॉल्व नेवियर स्टोक्स थ्रू न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय डिस्क्रिटाइजिंग एंड बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स. सो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज द सोल्यूशन इज एक्चुअली रियली कॉम्प्लेक्स एंड इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर कोर्स और द सोल्यूशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक एज वेल. सो वी विल जस्ट गिव यू एन आई विल डिस्कस द ब्रीफ सम ब्रीफ थिंग्स अबाउट द प्रांटल एंड ब्लेसिस बाउंड्री लेयर सोल्यूशन. सो प्रांटल एंड ब्लेसिस आर टू साइंटिस्ट विच एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व फॉर अ फ्लैट प्लेट केस. एंड द ब्लेसियर बेसिकली वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्रांटल. ब्लेसियर एक्चुअली सॉल्व दिस. सो यू कैन सी दैट दीज आर द टू नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टू डायमेंशनल फॉर्म. सो मूविंग फर्दर दीज आर इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इलेक्ट्रिक इक्वेशन आर बेसिकली द नेचर ऑफ द इक्वेशंस मैथमेटिकली स्पीकिंग प्योरली मैथमेटिकली स्पीकिंग दैट इक्वेशन इलेक्ट्रिक इक्वेशंस दैट द प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्पर्स और propagates in all direction. You can see that elliptic shape is basically you can say compressed circle, right? So I'm not getting into the mathematical details of these equations, but I'll give you a brief outline of the solution of the Prandtl and the Blasius. So just keep this mind keep in keep this mind keep these equation in mind and moving forward. That what happens, you can see that sim first of all the boundary layer, this is the assumption, these are some assumption which he have made in the solution. The boundary layer is very small as compared to the length of the plate jo ki aapka axis hai. You can see here this plate is quite large or the length is quite large compared to the boundary layer thickness delta. That's the first assumption which was made. एंड सेकेंड इज़ द वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सेस इज ऑलमोस्ट नेगलिजिबल. तो वी जो है या द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल कम्पेयर टू द यू बिकॉज द फ्लो इज हैपनिंग इज द फ्लूड इज फ्लोइंग पैरेलल टू द प्लेट. वन मोर थिंग द ग्रेडियंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और अलॉन्ग द प्लेट इज ऑलमोस्ट नेगलिजिबल कम्पेयर टू द ग्रेडियंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन. And this is the same assumption which we have been considering in the course so far. तो ये दो तीन assumptions हैं जो उसने assume की. पहली Blasius ने कि derivative of any property is almost negligible compared to the derivative of the property along the y-axis. What happens and one more thing that the fluid is sliding, so we are considering the pressure to be constant along the whole surface. अगर आप गौर कीजिए तो this in अगर we are considering v to be very small तो ये पूरी terms equation ही गायब हो जाएगी. तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म. तो यहाँ पे ये टर्म भी गायब हो जाएगी एंड दिस टर्म विल ऑल्सो वैनिश. द डाव यू अपॉन डाव एक्स भी गायब हो जाएगा एंड दिस टर्म विल ऑल्सो वैनिश. तो यू विल बी लेफ्ट विद अ वेरी सिंपल इक्वेशन विच इज दिस वन. वन मोर थिंग यहाँ पे इफ यू कैन सी दैट वी वी जो है वो डाव यू अपॉन डाव वाई तो मौजूद है. वी इज़ वेरी स्मॉल तो यू कैन सी दैट दीज आर स्मॉल बट नॉट जीरो.
since it's a two-dimensional flow. This, what about this one? Dava u upon dava x is very small because the gradient here is quite small, but the velocity u is comparable. So we cannot actually simply disregard this equation, this term, since the high number and low number are multiplying with each other, which can it cannot be simply disregarded or discarded from the equation. That's why this equation has actually taken this form, in which we have two terms on the left hand side and we have this viscous term on the right hand side, whereas the pressure term vanishes because of the pressure is constant throughout the surface, right? So this equation actually balances the viscous and inertial effects. And now these two equations, which the first equation is the and one more thing we can see, that since dava u upon dava x is not trending along x, so this could be 0, and dava v upon dava y is also 0, since v is not is very small, or we can have a very small value of v in the direction of the in the proportional direction. So these are equation, these are parabolic equation, which are another mathematical form of differential equation, which actually has and in which the properties do not have any effect downstream when they are moving from one point to another. So these are mathematical jargons which I'm not getting into details of these parabolic equation and elliptic equation. If somebody is interested in, he can actually see through the detailed solution of Blaise's and Prandtl, and in order to get the complete idea and picture what they actually solve about. So moving further, this here are the boundary condition in order to solve differential equation, and still this after this much simplification, these equations are still partial differential equation of the second order, and they are non-linear equation, but they are still very difficult to solve, and sometimes it's almost impossible. So what we need to have some boundary condition, and that u and v equals to 0 at y equals to 0. This is the no slip condition at the surface of the plate, whereas u is almost equals to u, where y equals to infinity. Infinity is basically any length which is very far from the plate, somewhere here outside the boundary layer. So this is infinity, is just mathematical representation. So this is argued that the velocity profile u upon u is basically dictated by this term, and this is the ratio of small u upon u is equals to g y upon delta, where y is the length along the vertical direction and delta is the boundary layer thickness. Similarly, a magnitude analysis has been done. Numerical analysis has been done. So the solution of this analysis is not provided in the book, so I'm not getting into it. And so this relation delta is nu x upon u, and by using these two relations, they devise a dimensionless similarity variable, which is eta, and eta is equal to u upon nu x e to the power 1 upon 2. So these are some complicated calculation, and converting the partial differential equation into partial differential equation into a relatively simple differential equation, and converting the whole thing into a new function, which is f. So this same equation had been converted into a new differential equations. So by using all these differential equations and conversion of partial differential equation into a linear differential equation, they come up with this relation, and this table has been formed, where eta is the value at which the u upon u is equals to 0.99. So this is important to understand, that you can see that the first derivative of this function is u upon u. So u upon u is the velocity profile, and capital U is the upstream velocity, is approximately equals to 0.999, which means that this is the very definition of the boundary layer at boundary layer thickness at which the the velocity becomes almost equal to the velocity of the upstream flow, and that actually comes at eta equals to 0.5.0 from the table, right? So this table was actually made numerically and by the Blasius and Prandtl. So by using all these mathematics and all these complications, mathematical manipulation, what we come up with, we have come up with these very very important and very valuable useful numbers. Delta equals to 5 under root nu x upon mu. This delta is the boundary layer thickness relation. These relations are actually
derive from this analysis, this calculation, and you can simply, and you know that your RE is equal to UX upon nu. This is basically the Reynolds number in another form, where the density is being divided, the viscosity is divided by density to convert into a kinematic viscosity nu, and X is the characteristic length. So you can simply convert this delta as a function of REX. So which means that this delta has become a function of REX, which is the Reynolds number, right? So this is a very important relation, delta X upon, but this is the solution for a very simple case, which is a flat plate, and you cannot apply this relation to any other case except the other than the flat plate case. So moving further, these are some graphs produced from the same table. So and these are the relation which are the continuation and extension of the same solution, where we have some more relation, and here we have displacement thickness for the flat plate and bound momentum thickness for the same case, and we have tau w, which is the wall shear stress for the same case. So these cell relations are really important and crucial, and we will be using these relations to solve some problems in the later lectures. So these relations will be provided to you. Don't worry about that. Don't worry about remembering them. So these are relations, and I repeat again, these are relation only valid for the flat plate. You cannot apply them to any other case. Okay. Moving further, these are some numerical, so we will see them in the later part, inshallah. So this is it about some boundary layer theory. So and when we will be discussing boundary layer further in the numericals. So I hope this gives you a brief idea or introductory idea of the boundary layer. So thank you very much.